गाइज बॉलीवुड के किंग खान या यू कहिए कि पठान फिर से लौट आए हैं। जी हाँ गाइज, मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान का टीजर रिलीज हो चुका है और लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर बॉलीवुड के किंग खान एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने की तैयारी में हैं। दरअसल पठान 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम लीड रोल में हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। लेकिन शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होने से पहले ही फैंस के निशाने पर आ गई है। असल में इसके टीजर को देखकर लोगों ने दावा किया है कि पठान में दिखाए गए ज्यादातर सीन्स वॉर, टाइगर और कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर जैसी हिट फिल्मों से कॉपी पेस्ट किए गए हैं। और ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि जहां से ये सीन कॉपी किए गए हैं वो वॉर मूवी खुद सिद्धार्थ आनंद ने ही डायरेक्ट की है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन किंग खान की ये मूवी दमदार एक्शन से धमाल मचाने वाली है। वैसे गाइज, आप इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान केवल इंडिया में ही फेमस नहीं है बल्कि पूरी दुनिया भर में उनके नाम का डंका बजता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हाल ही में एक इकोनॉमिस्ट अश्विनी देशपांडे ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह शेयर किया कि इजिप्ट में उन्हें किसी अर्जेंट काम के लिए जाना था जिसके लिए उन्हें एक ट्रैवल इजिप्शियन एजेंट को पैसे ट्रांसफर करने थे, लेकिन पैसे ट्रांसफर करने में दिक्कत आ रही थी। तभी उस एजेंट ने कहा कि आप शाहरुख खान के देश से हो ना, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं अभी बिना पैसे के ही आपकी बुकिंग कर देता हूं, आप बाद में मुझे पेमेंट कर देना, और आप उनके देश से ही हैं इसीलिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप पेमेंट जल्दी कर देंगी। गाइज, आपको शाहरुख खान की इस पॉपुलैरिटी के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।